तो सड़े का खाए वगैरह निकाल दूंगा वापस खींच के, ये भी आप तय कर ले, चाहे वो कोई भी हो। कि सरकार के नजदीक आ गया तो भ्रष्टाचार 100 मीटर तक अगर अंदर गया ना, उसको भी निकाल कर अलग जेलें बना के जेलें भर दूंगा राजस्थान की। अरे आदमी मजदूरी करने के दो पैसे कमा ले ठीक है, लेकिन डाकी चाला नहीं करना चाहिए ना, खाई जाऊं इसी जगह सारा। और सारा खींचर में कोई खा जाएगा तो बदनामी किसकी होगी? खाओ ना नावा के अंदर, वहां के एमएलए साहब खा रहे हैं, साथ मिलकर खा जाओ वहां पे। अरे जो नागौर में चोर विधायक हैं सबको पता कौन कौन है, उनके इलाके में खाओ आप, वो तो मिला जुली दे दो उनको, आधा आधा कर लो। लेकिन यहाँ अगर कोई खाएगा तो सड़े का खाए वगैरह निकाल दूंगा वापस खींच के, ये भी आप तय कर ले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे वोटों का नुकसान हो तो हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भ्रष्टाचार कभी नहीं करने दूंगा। और कोई ये कह दे कि साहब आ कहीं सड़क बनाई हड़ा बोल कर दिया, हड़ा बोल का मतलब तुम सारी आगे फिर हड़ा बोल में, एमएलए भी मेरा भाई, मैं एमपी, तो फिर ये तो चाहे राज में होक नहीं हो, ये काम नहीं करने देंगे। जो नागौर से भवंडा माणकपुर सड़क बन रही है इसको आज ही रुकवाना है, इसको नए सिरे से खोद के सड़क वापिस बनेगी। अपने इलाके की नागौर खींवसर की जहां जहां पर कर सकते हैं सारी सारी सड़कों को देखो, सारा भ्रष्टाचार तो एक दिन में नहीं मिटा सकता, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार के नजदीक आ गया तो भ्रष्टाचार 100 मीटर तक अगर अंदर गया ना, उसको भी निकाल कर अलग जेलें बना के जेलें भर दूंगा राजस्थान की, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, आप भी जानते हो, थक जाता आदमी, घरे काम पड़े थे नाड़ी दिए, मारे घरे काम है, मैं तो जाऊं स्विच ऑफ कर ले। अरे मेरे को देखो ना, आप कैसे लड़ाऊं मैं इतने साल, यार सत्ता मेरे आगे आगे भाग रही है, सत्ता कह रही पीछे आओ आओ छत्ता पे चढ़ो, कभी कह रहे दिल्ली में मंत्री बनो, कभी यहाँ यूं चल रहा हूं मैं, नहीं मैं पूरी सत्ता लाऊंगा, तो पूरी सत्ता कैसे लाऊंगा? पिछली बार तो मदद कर दी कई लोगों की, कई लॉ आउट में किसी को हराना था कांग्रेस को जिता दिया, कभी हमारे ये आ गई मदरना आ गई, मेरे पिताजी जेल में मदद करो उसकी कर दी, समाज के 20 MLA की कर दी, अभी ठेका तोड़ ले रखा मैंने, कर दी ना मदद, 5 साल मदद करी ना, तभी तो तकलीफ में हूं मैं। मदद करने वाले वापिस मदद नहीं करते, राजनीति में खुद की ताकत कितनी होती है वही कामयाब होती है। अगर 10 लाख की जगह RLP के 20 लाख वोट आते तो और ताकत से हमारे बच्चे लड़ते, अब कोई नहीं मानता इन बातों को। इस बार मजबूती के साथ आप सबको, पूरे राजस्थान की नजरें आप पे, और आपको पिछली बार की तरह मुझे पहले घुमा लेना जहां घुमाना है, क्योंकि चुनाव के अंदर फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप सोचोगे हनुमान जी गांव गांव नहीं आए, पूरे खींवसर नागौर को पूरे राजस्थान में प्रचार करना होगा। चलोगे ना मेरे साथ सारे एक सारे? हाँ तो सब साथ चलोगे तभी बदलाव होगा, क्योंकि थर्ड मन फेरो शिखर झुंझुनू वहां कौन जाएगा, मुझे वहां जाना है, तो वो मजबूत हो गए इलाके सारे, पूरा राजस्थान मजबूत हो गया, अंतिम प्रयास कर लेते हैं 23 का, क्योंकि मेरे को नेता जो छोड़ छोड़ के गए बीच में उनकी भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, जहां छोड़ के गए भाई सड़क माते फिर रहा तकलीफ में, तो अपने को ये तय करना कि अब की बार हम बदलाव करेंगे, सारा कुछ ठीक करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में MLA साहब ने सारी बात आपको बताई, हमें तो खुशी होती है, अरविंद वहां महासचिव बना, जब हम अध्यक्ष थे हमारे जो 60-70 वोट थे नागौर, अब तो वोट तो 2-3 हजार हो गए नागौर जिले का अकेले के, हमारे तो शेखावाटी शिखर झुंझुनू का वर्चस्व था उस समय, लेकिन इन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं करी। सबसे बड़ी खुशी मुझे राजस्थान के अंदर जो ये है कि हमारे बच्चों में क्षेत्रवाद खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया कि ये उस जिले का है, ये उसका है, ये उसका, इन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, राजस्थान को बदलना है। और तेजा जी का जयकारा धौलपुर के चंबल के बीड़ में भी लगता है, और बाड़मेर के अंदर भी लगता है, डूंगरपुर में लगता है, और गंगानगर के अंदर भी लगता है। अगर आप सबको एक धागे में एक उसमें फिरोने का काम किसी ने किया तो आपके भाई ने, लंबी तपस्या के बाद। देखिए सारे लोगों को तो भगवान भी एक नहीं होता, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं।